हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। उनकी पेंशन पर, उनकी जो है फैमिली पेंशन पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली है। जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो 65 साल में 5% और 80 साल में 20% की पेंशन पे बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आ रही है, आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा जिसमें कर्मचारियों ने और पेंशनर्स ने जो है सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप देख सकते हैं इसमें इन्हांसमेंट ऑफ पेंशन जो पॉइंट नंबर 7 है, जिसमें पेंशनर्स ने सरकार से बोला है कि जो कि पेंशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अभी प्रेजेंट में जो सिस्टम चल रहा है कि पेंशन जो है 10 साल के बाद ही जब नया पे कमीशन आयोग आता है, जब नया पे कमीशन रिकमेंडेंट किया जाता है, तभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो है स्पेशली पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाती है। इसके अलावा जो एडिशनल पेंशन या फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी जब 80 साल की उम्र या 80 साल की एज पार कर लेते हैं पेंशनर, तब उनको 20% अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन दी जाती है, जिसकी संख्या ऐसे पेंशनर्स की बहुत कम होती है। क्योंकि 80 साल के जो मोस्टली जो पेंशनर्स हैं वो 65 से 75 ईयर के बीच में ही आते हैं। तो और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बेसिक पे जो हर साल 3% बढ़ोतरी होती है, इसके अलावा उनको प्रोमोशंस और प्रोविजन अलग तरह के प्रोविजंस भी सरकार प्रोवाइड करती है, लेकिन जो पेंशन है उसकी उनकी बेसिक पेंशन में किसी भी तरीके का कोई भी जो है उसमें चेंजेस नहीं किए जाते हैं, और उनको पूरा 10 साल का इंतज़ार करना पड़ता है अगले पे कमीशन के रिकमेंडेशन होने का, उसके बाद ही जो है। और इसके अलावा जो पेंशनर्स है वो 80 साल की उम्र तक उसका वेट करते हैं, इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट की है, आप देख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू कंसीडर द इंक्रीज इन पेंशन एट द रेट कम से कम 1% जो है पेंशन की, कम से कम उन्होंने बोला है, क्योंकि कर्मचारियों की जो सैलरी है बेसिक पे वो 3% बढ़ोतरी होती है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम हमारी जो पेंशन है हर साल 1% तो कम से कम बढ़ाई जाए, और जो 20 साल की रिटायरमेंट होने पर वो 20% वो अब जैसे जीवित रहते हैं तो 20 साल तक दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने दूसरा सुझाव ये भी दिया है कि अल्टरनेटिवली इसके अलावा जो हर 5 साल में, यानी आप 60 साल रिटायरमेंट के बाद में 5 साल के ब्लॉक में एक 5% इंक्रीमेंट किए उनकी बेसिक पेंशन का। सपोज अगर कोई पेंशनर्स 65 साल का होता है तो 5% का इंक्रीमेंट की बेसिक में कर दीजिए, देन 65 से 70 होता है तो फिर से 5 साल का, और 70 से 75 होता है फिर से 5 साल का, और 75 से 80 साल की एज होने पर जो है फिर से 5 साल की बढ़ोतरी, 5% की उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, ऐसा कर्मचारियों ऐसा पेंशनर्स ने सरकार से रिक्वेस्ट की। अब इसका आंसर कुछ ही दिनों में आ जाएगा, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी इस मीटिंग में जो है अभी तक इसके मिनट्स नहीं आए, इसके मिनट्स जैसे ही आ जाएंगे तो सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है इसका आंसर भी आ जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। पहला ऑप्शन ये था कि हर साल बेसिक पेंशन 1% बढ़ाई जाए, और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन था, ऑप्शन जो है सजेशन दिया है सरकार को कि 5 साल के रिटायरमेंट 5 साल के ब्लॉक में 5 साल के एक ब्लॉक में सरकार जो है 5% बेसिक पेंशन सरकार जो है पेंशनर्स की बढ़ाए, जिससे पेंशनर्स को काफ़ी राहत पहुँच पाए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप हमें कमेंट करके बताएगा आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बहुत अच्छा था। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।